हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल एम एकेडमी। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो प्रयोग के आधार पर या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। पिछली कक्षा में हमने क्या आप लोगों को बताया था, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने प्रकार के, दो, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो इसका हमने आप लोगों को अच्छी प्रकार से वर्णन किया था, और अविकारी शब्द किसे कहते हैं इसको भी हमने आप लोगों को अच्छी प्रकार से बताया था। तो अब आज जो हम लोग देखेंगे विकारी शब्द में पहला वाला जो मिलेगा उस टॉपिक को देखेंगे। तो देख लेते हैं, एक शब्द देखेंगे विकारी शब्द। इसको तो हमने पिछली कक्षा में बता भी दिया है और आज की कक्षा में देख लेते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो हमने बताया था कि ऐसे शब्द या वे शब्द जो लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, या व्यय होने वाले शब्द, ठीक है, या खर्च हो जाते हैं। खर्च होने का मतलब समाप्त नहीं होंगे, इनका रूपवा बदल जाएगा, ठीक है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ऐसे शब्द। देखिए विकारी शब्द को हमने क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो किसके आधार पर, लिंग, वचन, क्रिया और काल, लिंग, वचन, क्रिया और काल आदि के आधार पर जो बदल जाते हैं, क्या होते हैं, बदल जाते हैं, लिंग, वचन, क्रिया, काल आदि के आधार पर जो बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अविकारी, की विकारी, विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द के अंतर्गत हमने आप लोगों को क्या बताया था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण और इसके साथ हमने आप लोगों को बताया था क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। पहले संज्ञा को देखेंगे, फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम, फिर इसके बाद जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है, विशेषण, जो संज्ञा के साथ प्रयोग किया जाता है, क्रिया। तो पहला वाला हम लोग आज का टॉपिक बनाएंगे संज्ञा। तो देख लेते हैं दोस्त, आज की टॉपिक हमारी क्या होने वाली है, संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज की पूरी कक्षा किस पर होने वाली है दोस्त, संज्ञा के ऊपर। चलिए तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए और तैयार भी हो जाइए कापी कलम किताब निकाल कर। इसके बारे में देखने वाले हैं हम लोग संज्ञा के बारे में। विकारी शब्द का पहला वाला हम लोग देखने वाले हैं, अविकारी शब्द की यह संज्ञा की कक्षा हो जाएगी। आइए देखते हैं, तो यह यहां से संज्ञा की शुरुआत होने वाली है। इसकी शुरुआत होगी दोस्त, संज्ञा की शुरुआत। आज का टॉपिक हम लोगों का क्या रहेगा, संज्ञा। आज का टॉपिक क्या होने वाला है दोस्त, संज्ञा, ठीक है। आइए देखिए, जो आपकी संज्ञा होती है, संज्ञा किसे कहते हैं इसको बताऊंगा, संज्ञा कितने भाग में टूटेगी इसको बताऊंगा, और संज्ञा का अर्थ क्या होता है इसको बताएंगे, और संज्ञा के प्रकार, फिर इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं संज्ञा में किसको शुरू करते हैं, विकारी शब्द में संज्ञा। संज्ञा जो होती है यह कितने शब्द में टूटेगी इसको तो बताऊंगा, लेकिन संज्ञा का शाब्दिक अर्थ देख लीजिए। संज्ञा का क्या, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संज्ञा का जो आपका शाब्दिक अर्थ होता है, कैसा अर्थ, शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम होता है दोस्त। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। लेकिन संज्ञा को कितने शब्द में, अरे कितने भाग में तोड़ सकते हैं, संज्ञा को दो भाग में तोड़ेंगे, कितने भाग में, दो। पहला वाला आपका बनेगा सम, दूसरा वाला ज्ञान, समधन ज्ञान। सम क्या है आपका, तो यह आपका सम उपसर्ग है। सम क्या है मेरे भैया, मेरे दोस्त, मेरी बहना, सम क्या है, उपसर्ग है। सम क्या है दोस्त, उपसर्ग है, ठीक है। या संज्ञा में कौन सी संधि, देख लीजिए
संज्ञा में आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। संज्ञा में आपकी कौन सी संधि है? तो संज्ञा में आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि? व्यंजन। संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? सम धन ज्ञा। सम क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग के साथ ज्ञा शब्द जुड़ा है, बन गया है संज्ञा, बन गया। क्या बना? संज्ञा या संज्ञा बना। ठीक है, देखिए जो आपका संज्ञा है दोनों शब्द का सार्थक अर्थ होगा। जो संज्ञा टूटा है सम धन ज्ञा बराबर संज्ञा, इन दोनों शब्द का सार्थक होगा। सम का अर्थ होता है सम्यक या समान। सम का अर्थ क्या होता है? सम्यक या समान। सम्यक या समान। ज्ञा का अर्थ क्या होता है? जानकारी। जानकारी, समान जानकारी या सम्यक जानकारी। ठीक है, समान जानकारी या सम्यक जानकारी। देखिए संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा का संधि विच्छेद करेंगे या संज्ञा को कितने शब्द में जोड़ेंगे? दो। पहला वाला सम, दूसरा वाला ज्ञा। सम का अर्थ समान या सम्यक, ज्ञा का अर्थ क्या हो जाएगा? जानकारी। कोई दिक्कत? सम का अर्थ समान या सम्यक, ज्ञा का अर्थ क्या हो जाएगा? जानकारी। समान या सम्यक, जानकारी या ज्ञान। जो समान या सम्यक होता है, ठीक है, समान या सम्यक होता है, आपको यह दृश्य होता है। क्या होता है? दृश्य। लेकिन जानकारी जो होती है यह आपकी अदृश्य होती है, और दृश्य दोनों हो जाती है। लेकिन मुख्य रूप से आपका जो है होता है सम या संज्ञा, यह आपकी अदृश्य होती है कि दृश्य? तो दृश्य होती है, लेकिन जो आपकी जानकारी है वह अदृश्य रूप होता है। तो देखिए आपका जो दृश्य हो जाएगा या सम्यक हो जाएगा या समान हो जाएगा, जो सम्यक या सामान्य होता है यह दृश्य रूप में होता है। किस रूप में होता है? दृश्य रूप में होता है। और दृश्य रूप में क्या मिलेगा आपको? तो दृश्य रूप में कोई आपको व्यक्ति मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई व्यक्ति, कोई वस्तु भी मिल जाएगी और स्थान भी मिल जाएगा। व्यक्ति भी मिल जाएगी, मिल जाएगा, वस्तु भी मिल जाएगा, स्थान। जो आपका दृश्य रूप में प्रस्तुत करेगा समान रूप से, समान वस्तुओं को बताएगा, समान व्यक्ति को बताएगा, समान स्थान को बताएगा। जो आपकी जानकारी होती है यह अदृश्य रूप में होती है। किस रूप में? अदृश्य रूप में होती है। किस रूप में होती है मेरे भैया? अदृश्य रूप में होती है। अर्थात कहें कि यह जो आपकी जानकारी होती है अदृश्य रूप में किसको प्रकट करती है? भाव को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है? भाव को प्रकट करती है, या भाव की जानकारी को बताती है। ठीक है, हमने आज का टॉपिक बताया संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम। संज्ञा में संधि, व्यंजन। कौन सा उपसर्ग? सम। ज्ञा क्या है? मुख्य शब्द। ज्ञान में या ज्ञा का अर्थ क्या होता है? जानकारी। सम का अर्थ क्या होता है? सम्यक या समान। जो सम्यक या समान रूप से आपको दिखाई देता है वह दृश्य रूप में, यानी वह आपको दिखाई देता है, प्रस्तुत होता है, सामने दिखाई देता है। लेकिन जो जानकारी होती है वह अदृश्य रूप में होती है, या भाव के रूप में होती है। ठीक है, तो संज्ञा क्या है? आपका भाव का भी बोध कराती है। संज्ञा भाव का भी बोध कराती है। संज्ञा किसी व्यक्ति का बोध कराती है, किसी वस्तु का बोध कराती है, किसी स्थान का बोध कराती है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ साथ संज्ञा भाव का भी बोध कराती है। तो यहां से संज्ञा की अब बन जाएगी परिभाषा। संज्ञा की क्या बन जाएगी? यहां से परिभाषा बन जाएगी। देखिए यहां से प्रस्तुत होती है आपकी संज्ञा की परिभाषा। यहां से क्या प्रस्तुत होती है? संज्ञा की परिभाषा। जो संज्ञा की परिभाषा प्रस्तुत होती है यह क्या बताती है? संज्ञा की परिभाषा क्या बताती है? कि किसी वस्तु, किसी वस्तु जो दृश्य रूप में है, व्यक्ति यह भी दृश्य रूप में है, स्थान यह भी क्या है? दृश्य रूप में। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव अथवा
भाव के नाम, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान कहलाते। सुनिए मेरे भैया, हमने बताया क्या कि कोई वस्तु भी होगी, कोई व्यक्ति भी होगा, कोई स्थान भी होगा अथवा कोई भाव होगा, इसका जो बोध कराएगा वह क्या कहलाएगा? संज्ञा। वह क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? संज्ञा कहलाएगा। कोई व्यक्ति भी हो सकता है संज्ञा, कोई वस्तु भी हो सकती है संज्ञा, कोई स्थान भी हो सकती है संज्ञा, स्थान भी हो सकता है संज्ञा, और कोई भाव भी संज्ञा हो सकती है। क्या सही है? तो सत्य है। अगर इसकी दूसरी परिभाषा चाहिए आप लोगों, तो मैं बता देता हूं इसकी क्या हो जाएगी। तो इसकी अगली संज्ञा हो जाएगी, अगली इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो शॉर्टकट में कि किसी वस्तु व्यक्ति, व्यक्ति के स्थान पर बदल भी सकेंगे, किसी वस्तु स्थान भाव और प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी किसी, देखिए तिरछा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी हम लिख रहे थे, किसी वस्तु स्थान कामा भाव कामा प्राणी का बोध कराने वाले, बोध कराने वाले शब्दों को, शब्दों को संज्ञा कहते हैं, को संज्ञा कहते हैं। किसका बोध कराएगा? किसी वस्तु का। वस्तु निर्जीव होगी, क्या होगी? निर्जीव भी हो जाएगी, वस्तु सजीव भी हो जाएगी, स्थान निर्जीव, भाव निर्जीवता का ही बोध कराएगा। प्राणी क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति हो जाएगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई जानवर का नाम हो सकता है, उसे भी प्राणी कहेंगे, ठीक है। किसी वस्तु स्थान भाव काम प्राणी का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, या किसी वस्तु व्यक्ति स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। यह आपकी रही संज्ञा की परिभाषा। देखिए अब जैसे में देख लेते हैं, जो संज्ञा की परिभाषा बताया फिर हमने क्या कि जैसे में, जैसे में देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए, इसका उदाहरण संज्ञा का उदाहरण देख लेंगे, फिर इसके बाद संज्ञा का बंटवारा करके अलग अलग पढ़ेंगे। आइए देखिए, संज्ञा में जैसे लिखेंगे आगरा, स्थान है गाजीपुर, गाजीपुर आगरा, गाजीपुर सादियाबाद, सादिया बात। यह आपका क्या है? यह आपका स्थान है। हमने बताया कि किसी वस्तु को भी, व्यक्ति को भी, स्थान को भी कहेंगे कि भैया स्थान का उदाहरण दीजिए, तो हाई आपका रहा क्या? स्थान का उदाहरण आगरा, गाजीपुर, सादियाबाद तथा कोई भी स्थान का नाम आ जाएगा, वह क्या कहलाएगी? संज्ञा। अब कहेंगे कि वस्तु का उदाहरण दीजिए, तो वस्तु का उदाहरण लीजिए, तो वस्तु का उदाहरण लिख सकते हैं पेन, किताब, पेन के बाद किताब, और क्या मिलेगा? तो वस्तु में आ जाएगा टीवी, मोबाइल, मोबाइल। यह आपका जो रहेगा, क्या रहेगा मेरे दोस्त? वस्तु। यह क्या रहेगी? वस्तु रहेगी। वस्तु का उदाहरण भी बता दिए, अब कहेंगे कि स्थान का बता दिए, ठीक है, वस्तु का बता दिए, अब किसी व्यक्ति का बता दीजिए। तो व्यक्ति का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं,
तो व्यक्ति का उदाहरण देखिए, किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा तो वही हो जाएगा कोई सी व्यक्ति। किसी व्यक्ति का नाम लिख लीजिए, जैसे मोहन, राम, श्याम, सीता, गीता, रीता, ये सभी जो रहेंगे यह व्यक्ति के उदाहरण के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। ठीक है, अब कहेंगे कि भाव का भी बोध करा दीजिए, बताए तो हैं, तो भाव का बोध कराने वाला आ जाएगा सुख, दुख, सुख, दुख, मित्रता, गरीबी, गरीबी इत्यादि बहुत मिल जाएगा। ये सब क्या है मेरे दोस्तों? भाव है। यह क्या है? सभी भाव है। क्या है? भाव। तो आप लोगों के सामने हमने संज्ञा को प्रस्तुत किया। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। संज्ञा में संधि क्या है? व्यंजन। संज्ञा में उपसर्ग क्या है? सम। सम का अर्थ सम्यक या समान। ज्ञा का अर्थ जानकारी। जो समान होता है, सामने प्रस्तुत दिखाई देता है, वो क्या होता है? दृश्य रूप में। दृश्य रूप में क्या मिल जाएगा? व्यक्ति मिल जाएगा, वस्तु मिल जाएगा, स्थान। और दृश्य रूप में क्या आता है? भाव। तो परिभाषा बनेगी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति का उदाहरण बताया, मोहन, राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, रीता। जितना भी नाम आ जाएगा वह आपकी क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यक्ति में है तो व्यक्ति की संज्ञा। कहेंगे वस्तु का उदाहरण दीजिए, वस्तु में हमने बताया पेन, किताब, टीवी, मोबाइल, लिख रहे का मार्कर तथा अन्य व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जितना बोर्ड, मोबाइल, टेलीफोन, ये सभी वस्तु के उदाहरण हो जाएंगे। कहेंगे कि स्थान का, तो स्थान का उदाहरण दिया गाजीपुर, आगरा, सादियाबाद इत्यादि। फिर इसके बाद कहेंगे कि भाव का दीजिए, तो भाव बताया यहाँ पर सुख, दुख, मित्रता, गरीबी, विनम्रता इत्यादि। ये सभी क्या होते हैं दोस्त? भाव होते हैं। क्या होते हैं? भाव होते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, अब मिटाएंगे और आगे देखेंगे संज्ञा के प्रकार। हो गया दोस्त, स्क्रीनशॉट बना लिए होंगे, तो आगे बढ़ता हूं। अब संज्ञा के प्रकार को देखते हैं। ठीक है, आइए संज्ञा में देख लेंगे दोस्त क्या प्रकार, देखेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार को देखते हुए, संज्ञा के प्रकार को देखते हुए क्लास को समाप्त करेंगे। और इस संज्ञा के प्रकार को देखने के बाद हम लोग देखेंगे क्या, तो अगली कक्षा में जब मिलेंगे तब हम लोग संज्ञा का एक एक संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए हम लोग देखेंगे संज्ञा के प्रकार। अगला टॉपिक हो जाएगा संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, इससे आपको पता चलता है क्या कि संज्ञा का बंटवारा किया जाएगा, संज्ञा को बांटा जाएगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अच्छा, होती है प्रकार, तो नाम क्या क्या है? आपको जिज्ञासा होगी कि संज्ञा होती क्या है, बता दिया। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? बताएंगे सर। अरे बताऊंगा। अच्छा, कौन कौन सी होती है? इन सभी उत्सुकताओं को मैं शांत करने का प्रयास करूंगा, पहले ध्यान से देखिए। तो संज्ञा को मुख्य रूप से तीन भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में? तीन। सामान्य रूप से संज्ञा को पांच भाग में बांटा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा को कितने भाग में बांटा जाता है? तो मुख्य रूप से संज्ञा को तीन भाग में बांटा जाता है और सामान्य रूप से संज्ञा को पांच भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में? पांच भाग में। तो जो आपकी संज्ञा पहली वाली होती है, उस संज्ञा को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का पहला प्रकार होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा प्रकार होता है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार क्या होता है? तो जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा प्रकार होता है जातिवाचक संज्ञा।
संज्ञा का तीसरा प्रकार कोई होता है तो भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा प्रकार क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। इन तीनों का अध्ययन सामान्य रूप से अभी करेंगे, लेकिन विशिष्ट रूप से अलग अलग प्रकार से अगली कक्षा में करेंगे। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अभी आप लोगों को उत्सुकता हो रही होगी कि अरे मर्दमा संज्ञा तो तीन थे, बोले बुलवावत हवा। उत्सुकता हो रही होगी कि अरे बार अरे पगलाल का मिस्टरवा पगलाल ना बाबू, इस संज्ञावा को बांटेगा मास्टरवा भी, चिंता मत करिए, पगलाइए मत। संज्ञा को पांच प्रकार से देखते हैं ना, पांच को प्रकार आपको प्रस्तुत करूंगा, लेकिन पहले ये देखिए औजैले गुल्लर ना पाकी, इधर देखा संज्ञा किसे कहते हैं बता दिया। संज्ञा के प्रकार कितना होता है? तीन। पहला वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा वाला जातिवाचक संज्ञा, तीसरा वाला भाववाचक संज्ञा। दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा, पहला वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले पीछे से शुरू करते हैं, आगे से तो शुरू कर सभी लोग करते हैं, पीछे से ये देखते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा के अंतर्गत या जिस संज्ञा में भाव की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। प्रधानता का अर्थ होता है अधिकता। भाव की प्रधानता या अधिकता होती है, भाव के प्रधानता या अधिकता होती है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष, किसी जाति विशेष, किसी स्थान विशेष का बोध कराया जाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसी संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक। जिस संज्ञा के अंतर्गत भाव की प्रधानता, भाववाचक संज्ञा। और जिस संज्ञा के अंतर्गत किसी वस्तु विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष और किसी स्थान विशेष का बोध कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात कहें तो जिस संज्ञा का बंटवारा नहीं कर सकते हैं किसी भी आधार पर, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिस संज्ञा का किसी भी आधार पर बंटवारा कर सकते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द, देखिए जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे शब्द जिनसे किसी जाति प्रजाति के समूह का बोध होता हो, वे शब्द जिनसे किसी जाति या प्रजाति के समूह का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्त। और इस जातिवाचक संज्ञा को कितने भाग में बांटा जाता है? दो भाग में बांटा जाता है। अब तो आपको पांच गो संज्ञा का प्रकार दिखा, कितने भाग में बांटा जाता है? दो। पहला वाला द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, पहला वाला द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरा वाला द्रव्यवाचक को ही कहते हैं पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। यह आपकी पहला भेद हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का। ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद क्या होगा? तो जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद हो जाएगा समूह वाचक संज्ञा, समूह वाचक संज्ञा। इसी को कहते हैं समूहवाची संज्ञा, इसको कहते हैं पदार्थवाची या जातिवाची संज्ञा, व्यक्तिवाची संज्ञा। ठीक है। इसी को कहते हैं द्रव्यवाची संज्ञा। तो आज के लिए बस इतना ही। यह पांचों प्रकार अगले दिन से बारी बारी एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।